तो ये है अपना नॉर्मल सा माइनक्राफ्ट जो कि काफी ज्यादा मजेदार सा है और यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है। लेकिन आज मैं इस माइनक्राफ्ट को एकदम हॉरर बनाने वाला हूँ। जी हाँ, ऐसी ऐसी चीजें मैं डाल दूंगा माइनक्राफ्ट के अंदर जिसको देख के हर कोई डर जाएगा। लेकिन रुको जरा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मल माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड कैसा दिखता है। ये देखो, ये है माइनक्राफ्ट का बिल्कुल नॉर्मल सा वर्ल्ड। और वाह, क्या ही प्यारा वर्ल्ड लग रहा है ये एकदम। यहाँ पे देखो कितनी सारी हरियाली, कितनी सारी घास फूस है यहाँ पे। इवन यहाँ पे काफी सारे हरे भरे पेड़ भी है। और ये तो देखो जरा, कितने ज्यादा क्यूट क्यूट से यहाँ पे मॉब्स घूम रहे हैं और मस्त धूप भी निकल रखी है इस वर्ल्ड में। मेरे कहने का मतलब है यार, इस वर्ल्ड में कुछ भी हॉरर नहीं लग रहा। लेकिन डोंट वरी, अपना काम यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम ऐसा वर्ल्ड बना देंगे जो भी खेलेगा ना भाई कांप उठेगा। तो देखो, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे सामने एक विलेज दिख रहा है और इस विलेज के अंदर देखो भाई, सड़े वाले विलेजर है। मतलब यार, ये एकदम नॉर्मल से विलेजर्स है। इनके घर भी है यहाँ पे बने हुए। और ये देखो जरा, घर के बाहर फूल भी लगा रखे इन लोगों ने। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करने वाले इस आयरन गोलम को। ये यार पूरे इस विलेज की रक्षा करता है ना। अब देखो जरा, मैं इस आयरन गोलम का क्या हाल करता हूँ, इसको कैसे बना दूंगा। यस, मैंने इस आयरन गोलम को यहाँ पे देखो ब्लड गोलम बना दिया। और भाई साहब, ये दिखने में कितना ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। और ये तो देखो जरा, ये विलेजर को यहाँ पे बचाएगा नहीं बल्कि इनके पटाखे बजाएगा बहुत तगड़ी तरीके से। लेकिन यार, ये विलेजर्स भी देखो कितने ज्यादा बेकार सी लग रहे हैं। इनकी भी एक काम करते, स्किन यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ये लग रही ना भाई एकदम मस्त खतरनाक वाली स्किन। इनके दांत तो यार कुछ ज्यादा ही डरावने लग रहे हैं यार। ऐसे विलेजर से तो मैं कभी ट्रेड ही नहीं करूंगा। और हाँ, जैसे ही आप इस विलेजर को मारोगे ना, ये एकदम पागल हो जाएगा। इसका सिर देखो इतना ज्यादा बड़ा सा हो जाएगा और इसके दांत भी निकल आएंगे। और इवन ये दूसरे विलेजर्स के पीछे भी पड़ जाता है। और इनके ओ माय गॉड, सर भी निकाल दिए यार इनके तो। क्या ही खतरनाक विलेजर है, इससे हमें भाई दूरी बना के रखनी चाहिए। और हाँ, अभी भी देखो ये विलेजर एकदम खुशहाल सा ही लग रहा है। हालांकि यहाँ पे ये विलेजर, अरे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो चुके हैं। मेरे हिसाब से इस विलेज को ही और ज्यादा यहाँ पे डरावना बना दिया जाए। सबसे पहले तो ये घास फूस हटाते, यहाँ पे एकदम फालतू सी लग रही है ये। और यहाँ पे मैं इस विलेज में पूरी जगह ब्लड ही ब्लड फैलाने वाला हूँ, क्योंकि भाई जहाँ पे ऐसा खूनम खून भरा होता है ना, वहाँ पे तो हर किसी की फटी जाती है ना तगड़ी वाली। और वाह, इसमें तो ग्रीन कलर का ब्लड भी है। चलो इसको भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज कर लेते हैं। और घर देखो इन विलेजर्स के कितने ज्यादा यहाँ पे सुंदर सुंदर बना रखे हैं। हटाओ इनके कुछ यहाँ पे ब्लॉक्स, यहाँ पे तोड़ देते हैं और जाले भर देते हैं यहाँ पे, ताकि एकदम अबेंडेंट विलेज जैसा लगे ये। और घरों के अंदर भी क्यों ना थोड़ा सा ब्लड डाल दिया जाए। और अब मैं इस विलेज में डालने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली चीजें, जिनको देख के हर किसी की फट जाएगी, वो भी तगड़ी वाली। और हाँ, ये विलेजर के घरों के ऊपर भी डाल देते हैं। अरे भाई साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है यार। पूरा खूनम खून हो चुका है यार ये सीन। और एक दो एक काम करते हैं, यहाँ पे बीच में भी डाल देते हैं। अरे वाह भाई, इनसे तो मजा ही आ जाएगा एकदम। और जरा अब इस विलेज को देखो, कितना ज्यादा ये खतरनाक लग रहा है। विलेजर भी यहाँ पे एकदम तगड़े डरावने हो चुके हैं। आयरन गोलम भी एकदम ब्लड में सन रखा है। और पूरे विलेज में देखो खूनम खून हो रखा है। मतलब माइनक्राफ्ट की विलेजेस को हमने यार एकदम डरावना बना दिया है। और अब हम लोग चलते हैं सीधा केव्स के अंदर। तो देखो, केव्स तो यार यहाँ पे ऑलरेडी काफी ज्यादा खतरनाक सी होती है, क्योंकि देखो पहली बात तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हर जगह देखो यहाँ पे कैसी कैसी आवाज आती रहती है, जिनको सुन के भाई हर किसी की रूह कांप जाती है। लेकिन है तो यार ये नॉर्मल सी केव सी, नॉर्मल से मॉब्स घूमते हैं यहाँ पे, क्यों ना सबसे पहले हम इनको ही डरावना बना देते हैं। लेकिन केव्स में तो हमें बहुत सारे टाइप्स के मॉब दिखते हैं, जैसे कि ये क्रीपर, या फिर ये स्केलेटन, या फिर ये स्पाइडर्स, इवन कभी कभी हमें एंडरमैन भी दिख जाता है। और ज़ॉम्बीज तो यहाँ पे घूमते ही रहते हैं। हमें यहाँ पे सबको चेंज करना पड़ेगा और सबको डरावना बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, ज़ॉम्बीज को ही बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते हैं। ओके भाई, ये दिखने में काफी ज्यादा ही अलग अलग से हो गए। और इनकी आंखें तो देखो कितनी ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। और जब भी ये अब अटैक करेंगे, सारे मिलके ही अटैक करेंगे और आपको एकदम खत्म कर देंगे। और इन क्रीपर, स्पाइडर और स्केलेटन को जरा देखो, ये वाले स्पाइडर्स अगर आपके पीछे पड़ गए ना, तो बंदा तो भाई बिल्कुल कांप ही जाएगा। और इस स्केलेटन का तो भाई कुछ फेस ही नहीं है। और ये क्रीपर, ये भी एकदम सड़े हुए हो चुके हैं। लेकिन एंडरमैन, इसको तो मैंने एकदम साइरन हेड ही बना दिया है। जैसे ही आप इसकी तरफ देखोगे, आपको बहुत तेज आवाजें सुनाई देगी और ये आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको एकदम खत्म कर देगा। इवन मैंने केव्स को भी यहाँ पे और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। जब भी आप यहाँ पे माइनिंग करने जाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी, डरावनी और खतरनाक आवाजें सुनाई देगी। यस, ऐसी आवाजें से तो भाई हर कोई डर ही जाएगा। और अब इन केव से हम थोड़ा बाहर चलते हैं। ये वाले मॉब्स तो यार अभी भी काफी ज्यादा ही नॉर्मल लग रहे हैं, और कुछ कुछ तो भाई काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे हैं ये वाले मॉब। इनको भी गाइस हमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा पूरा पूरा। ओके, अब इन मॉब्स को कोई क्यूट तो बिल्कुल नहीं बोलेगा, बल्कि ये तो और ज्यादा घिनौने हो चुके हैं। इवन यहाँ पर जितने भी पिग्स है और शीप है, उनकी आवाजें भी बहुत ज्यादा ही अजीब हो चुकी है और दिखने में ओ भाई बहुत ही ज्यादा अजीब और घिनौने लग रहे हैं ये। ओके तो गाइस, अभी
हमने यहाँ पे सारी चीजें चेंज कर दी है। जैसे कि हमने पहले आयरन गोलम को डरावना बना दिया, विलेजर्स की यहाँ पे स्किन भी चेंज कर दी थी और पूरा का पूरा विलेज ही खतरनाक बना दिया था, पूरा खूनम खून डाल दिया था मैंने वहाँ पे, और इन मॉब्स को भी एकदम मैंने डरावना बना दिया। लेकिन सच बताऊं तो यार ये माइनक्राफ्ट अभी भी थोड़ा सुहाना सा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है। लेकिन डोंट वरी, एक बार मैं आपको रात करके दिखाता हूँ। ओ भाई अब आएगा ना बहुत ज्यादा मजा। और उस विलेज की तरफ चल के देखते हैं। ओ माय गॉड, ये आवाजें कितनी ज्यादा खतरनाक आ रही है। और भाई साहब लग तो ये गेम काफी ज्यादा डरावना रहा है। लेकिन अभी रुको जरा, एक मॉब डालना रह चुका है जिससे हॉरर माइनक्राफ्ट बिल्कुल अधूरा है। जी हाँ, हीरो ब्राइन। ओके तो मैंने यहाँ पे हीरो ब्राइन भी डाल दिया है एंड वो देखो जरा उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। तो अभी देखो मैंने माइनक्राफ्ट को हट डरावना बना दिया है। एंड जैसे कि मैंने कहा ही था, यहाँ पे मैंने ऐसी भी चीजें डाल दी है जिससे हर कोई कांप उठेगा। एंड यस, अभी मैं अपने नूबड़े फ्रेंड को इस वर्ल्ड में बुलाता हूँ और उसकी ऐसी चीजों से बहुत ही ज्यादा फटती है, तो लेट्स सी क्या होता है भाई। ओके तो गाइस मैंने इस सर्वर में अपने फ्रेंड को यहाँ पे बुला लिया। हेलो माइनफ्लुक्स भाई। अरे मिस्टर गेमर जय भाई, क्या चल रहा है? मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ, ये कोई नॉर्मल सा वर्ल्ड नहीं है, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें डाल रखी है। ऑब्वियसली भाई नॉर्मल तो लग नहीं रहा है। और ये पेड़ों का हाल क्या हो रखा है? पेड़ों का हाल देख के तू बता ही सकता है यहाँ ये किसने करा होगा यार। भाई ऑब्वियसली हीरो ब्राइन का भी खेल चल रहा है क्या इस वर्ल्ड में? हाँ भाई, यहाँ पे हीरो ब्राइन वगैरह सब कुछ तेरे को देखने के लिए मिल जाएंगे, इसलिए आराम से चलियो भाई, थोड़ा मेरे पीछे पीछे रहियो, आजा। बट तूने ऐसा करा क्यों भाई? इतना डरावना क्यों बना दिया तूने ये सब? पूरे माइनक्राफ्ट को मैंने यहाँ पे हॉरर में कन्वर्ट कर दिया। और भाई अटैक हो रहा भाई। अरे अरे स्केलेटन को क्या हुआ भाई? भाई मैंने यहाँ पे सबको एक्स्ट्रा डरावना बना दिया है। मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा कम है। ओके आजा मेरे पीछे पीछे आजा, मैं तेरे को ऐसे विलेज में अभी लेके जा रहा हूँ ना जहाँ पे मतलब तू जाएगा एकदम कांप उठेगा। ऐसा क्या यार उस विलेज में? ऑलरेडी इतना सारा डरावनी चीजें हो रही है। और हाँ याद रखियो, हमारे पीछे आसपास यहाँ पे हीरो ब्राइन भी हो सकता है। क्या क्या डाला है तूने? भाई मैंने कहता रहा हूँ एकदम एक्स्ट्रा हॉरर बना दिया मैंने पूरे वर्ल्ड को। यहाँ पर भाई पिग मारा पड़ा है इसके अंदर चक्कू। ये देखो भाई क्रीपर बच के। भाई पूरी तरफ खून ही खून पड़ा है, मेरी स्क्रीन पे भी खून दिख रहा है। एक सेकंड, मेरे अंदर से तो खून नहीं, नहीं निकल रहा है। नहीं तेरे अंदर से नहीं निकल रहा है। आजा। ओके अभी मैं तेरे को इस विलेज के विलेजर्स दिखाता हूँ। ओ भाई ये क्या हो रखा है? इस विलेजर को क्या? भाई ये मैंने नहीं करा। तूने नहीं करा, तूने ही तो बोला तूने अभी सारी चीजें डाली हैं। नहीं ये अंदर देखना कितने सारे विलेजर्स है। और भाई इनकी शक्ल देखियो जाके, और इसको देख जरा। भाई तेरे को क्या दिमाग में आएगी, इतना खून खराब मचा देगा यहाँ पर। ओके भाई मेरे को तो सच में बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है, ये विलेज ही बहुत ज्यादा खतरनाक सा है। और ये आवाजें कैसे आ रही बीच बीच में? कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को भी नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं दिख रहा। ओ हीरो ब्राइन है पक्का। एक सेकंड, पास में पास में। ओ भाई ओ भाई मेरे पे अटैक भी हो रहा है, रुक जा। कहां अबे तू कहां है? मेरे को कुछ नहीं दिख। ओ भाई मैं भी मरने वाला हूं भाई, निकल भाई मैं विलेज की साइड जा रहा हूं। अरे जी हां, यही होता है जब आप माइनक्राफ्ट को बहुत ज्यादा खतरनाक बना देते हो। तो इसी के साथ गाइस ये वाली वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। और हां फन 88 को चेक आउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, जहां पे आपको तगड़े तगड़े प्राइसेस जैसे कि रोलेक्स की लग्जरी वॉच या फिर आईफोन 14 प्रो मैक्स भी जीत सकते हो आप यहां पे। अगेन लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।